हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह का टाइम है तो फ्रोज़न पूड़ियाँ ला के रखी हुई है ना, तो आज बनाने लगी हूँ। देखते हैं कैसे बनती हैं। शिकायत ना काफ़ी दिनों से पीछे लगी हुई है कि मामा वो जो फ्रोज़न पूड़ियाँ ला के रखी हुई हैं वो बनाएं, ट्राई करें, तो बस वही अभी करने लगी हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने सूजी डाली है और साथ में देसी घी ऐड कर दिया है। और इसके बाद अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि सूजी जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ये देखिए। और इसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया जब वो गोल्डन ब्राउन हुई है सूजी, तो और पानी ऐड करके अच्छे से मैंने चलाया है इसको। और इसके बाद फिर मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूँगी, ये देखिए। चीनी ऐड कर रही हूँ मैं, हसबे जायका, जितनी भी आप लोगों को पसंद है। और यहाँ पे देखिए जी, हलवा हमारा डन हो चुका है। चीनी के साथ अच्छे से मैंने इसकी और ज़्यादा भुनाई की है और इसको भी मैं उतार लूँगी साइड पे। और ये मैंने केसर भी थोड़े से ऐड किए थे, ये देखिए। और हलवा जी हमारा अब डन हो चुका है और इसको भी मैं साइड पे रख लूँगी। बच्चे अभी सारे सो रहे थे और फिर मैंने सोचा कि हलवा वगैरह चलो मैं बना के पहले रख लेती हूँ। ये देखिए जी, लास्ट लुक हलवे की, ये बहुत ही यमी बना था। और यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय रख दी है और कढ़ाई जी ऊपर रख दी है, अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये हैं जी फ्रोज़न पूड़ियाँ। और ये देखिए ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी इसके ऊपर लिखी हुई हैं, ये देखिए उर्दू में भी लिखी हुई हैं। तेल को अच्छे से आप लोगों ने गर्म करना है और फिर उसके बाद अंदर पूड़ी डालनी है। ये देखिए रैपर में रैप है पूड़ी दोनों तरफ से। और अच्छे से जब ऑयल गर्म होता है तो उसके बाद आपने पूड़ी ऐड कर देनी है। और ये देखिए जी, कितने अच्छे से फूली है ये पूड़ी, और इसको देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। ये देखिए फिर इसी तरह से जो दूसरी पूड़ियाँ वो भी मैं डालती गई और अच्छे से फूलती गई, और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी इनको देख के कि इतनी अच्छे से फूल रही हैं। और टेस्ट भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो रियल पूड़ी होती है वैसा ही था, ऐसा नहीं था कि टेस्ट में कोई फ़र्क हो, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। और ये देखिए जी, पूड़ियाँ कितने अच्छे से फूली हैं। एडम कैसे बनी हैं? अच्छी अच्छी बनी है। एरिक अच्छी बनी है। ये शिकायना बिल्कुल बाजार वाली बनी है ना। तो मैंने भी ट्राई की है तो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि फ्रोजन है या कुछ और टेस्ट इसका आ रहा है, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट है। लेकिन इसकी एक ट्रिक है कि आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर ही वो सही फूलेंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा जी। ये भी मैंने आप लोग से शेयर करना था, ये कराची से केक मंगवाया हम लोगों ने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसमें मेरे ख्याल में डेट्स हैं और वो जो मेवे वगैरह होते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और इसको इसके साथ बाइट करके खाएं तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो ऊपर इन्होंने ये क्रीम सी लगाई हुई ना, ये मीठी है, और बाकी ये जो है इसमें शुगर का इतना टेस्ट नहीं आता। तो बहुत ही ज़बरदस्त केक है जी, कराची से स्पेशल आया है। कराची में जी वो भाई माइकल हैं यहाँ पे, तो वो शादी पे गए हुए थे ना, तो उन्होंने फिर वहाँ से वो लेके आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम लोगों ने पान भी मंगवाए थे, पान तो जैसे ही आए हैं वो वैसे ही हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, हम सब ने खाए हैं, इतने मज़े के थे। तो ये केक अभी बचा हुआ है, ये ज़्यादा शौक से इमरान खाते हैं, या मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो ये अभी चलेगा तकरीबन 5-6 दिन। तो पान आप लोगों को मैंने दिखाने थे, बड़े अच्छे तरीके से रैप हुए थे, लेकिन जैसे ही आए हैं रात को सब ने खा लिए। और यहाँ पे जी नई दुल्हन आई हुई है और हमने कटलेट्स बनाए हुए थे और वही इसको टेस्ट करवा रही हैं।
और ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे। गाइस ये देखें, मैं अपनी रज़ाई का कवर लेके आई हूँ। ये डबल बेड की रज़ाई है, उसके लिए लाई थी। और एक ये वाला है, ये सिंगल रज़ाई का है। ये देखिए, इनको श्लिंग करके मैंने डाला हुआ है, तो अभी खुश्क होंगे, फिर इनको सिलाई करवाऊंगी। देखिए खिले खिले से कलर हैं दोनों। और यहाँ पे जी मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ, ये खुश्क हो चुके हैं, फिर मैं अंदर ले आई। ये देखिए, ये जो सिंगल रज़ाई है उसका कवर है, इसको फोल्ड मैंने किया। और अभी जो दूसरे वाला है उसको तो फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये देखिए, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको फोल्ड किया, और जब मैंने फोल्ड कर लिया इसको, और मुझे वो सांस चढ़ा जिसकी कोई हद नहीं। और मामी आ रही हैं जी फैसलाबाद से, तो बस उनसे मैं ये सिलवाऊंगी उनके आने से पहले। फिर मैंने ख़रीद ली हैं, मैंने कहा जब वो आएंगी तो चले उनसे मैं फिर ये सिलवा लूँगी कपड़े सारे। ये जो रज़ाई के जो कवर्स हैं वो बहुत अच्छे से सिलाई करती हैं, तो मैंने कहा चलो एक फ़ायदा तो होगा ना मुझे कि मैं ये अपने सारे काम पहले रख लेती हूँ और उनके आने तक वेट करती हूँ। जी गाइस, तो आज काम बहुत ज़्यादा है, हम लोगों ने कपड़े भी धोए हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी मसरूफियात हैं, इस वजह से फिर ये शिकायना देखें मटर निकाल रही है। इसको मैंने काम दिया है, अभी ये होमवर्क कर रही थी, ये देखें इसकी बुक्स। तो जैसे ही इसका होमवर्क कंप्लीट हुआ है, इसको मैंने फिर टास्क दिया है कि ये मटर निकाले, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ज़रा अपने नेल्स दिखाना शिकायना, इनको भी काट लो क्योंकि अभी आपके स्कूल लगने वाले हैं। और गाइस ये प्रीफेक्ट है, और खुद के इसके नेल्स देखें जरा। जी लेकिन अब तो नया साल, अब नया साल शुरू होगा, तो क्या पता मैं दोबारा से बनूंगी ना। बनेगी गाइस, ये देखिए ये सारा कर्टन जो है वो इस विंडो का गिर गया था कल नीचे, तो इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था, तो अब वो ड्रिल के साथ शायद ये लगेगा। तो अभी मैं वो देखते हैं, किसी को बुलाते हैं, फिर कर्टन लगवाते हैं। यहाँ पे जी मेरी आँख में शिकायना कतरे डाल रही है, क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से ख़ारिश है और दर्द है, तो बस मैंने ड्रॉप्स मंगवाए हैं तो वही डाल रही हूँ। ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ है, उन्होंने बोला हुआ है कि रेगुलर आपने ड्रॉप्स जो है वो डालने हैं। और यहाँ जी एरिक एडम के यूनिफॉर्म जो है वो मैं अलग अलग कर रही हूँ, ये एक बॉक्स है, इसमें ही मैं इनके यूनिफॉर्म रख रही हूँ। कल इनका स्कूल है, तो बस इनके यूनिफॉर्म वगैरह मैं निकाल के अभी प्रेस करने के लिए दूँगी। तो बस अभी से रूटीन जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी स्कूल की। और ये बहुत अच्छा सा बॉक्स है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारे यूनिफॉर्म बच्चों के जो है वो तय करके रख देते हैं, और इस तरह इनकी चीज़ें जो है वो घूमती ही नहीं हैं, एक ही जगह पे रहती हैं। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम लोग रखते हैं, जिसकी वजह से फिर एक ही जगह पे रहते। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।